हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजीटा। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन सा फ्यूजन है बेटर, पुट्टारा फ्यूजन और डांस फ्यूजन, क्योंकि हम हर बार कंफ्यूज रहते हैं कि वेजिटो पावरफुल है या गोजेटा पावरफुल है। लेकिन उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्यूजन क्या है और कैसे काम करता है। तो आज हम जानेंगे इन दोनों फ्यूजन्स की एक एक डिटेल्स को बड़ी ही बारीकी से, और जानेंगे कि कौन सा फ्यूजन बेटर है और क्यों और किस सिचुएशन में। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मिलती रहेंगे ड्रैगन बॉल से जुड़ी सभी चीजें सबसे पहले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों फ्यूजन टेक्निक्स के ओरिजिन की, कहां से इनकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं पुट्टारा फ्यूजन की। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुट्टारा फ्यूजन को कायो शिन्स ने बनाया है और उन्हीं लोगों ने इन्वेंट किया है। और इस फ्यूजन के लिए कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दो फाइटर्स जब अपने अपोजिट ईयर्स अपने अलग अलग कानों में इन दोनों पुट्टारा इयररिंग्स को पहनते हैं तो वो फ्यूज हो जाते हैं। और ये पुट्टारा इयररिंग्स बहुत अलग अलग कलर्स में आते हैं और इन पुट्टारा इयररिंग्स को कोई भी यूज कर सकता है, जैसे कि मॉर्टल इमॉर्टल भी इस पुट्टारे इयररिंग को यूज करके फ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डांस फ्यूजन की। तो डांस फ्यूजन को बना है मेटा मोरेंस ने। ये डांस फ्यूजन टेक्निक गोकू ने सेल गेम्स के बाद और ग्रेट सेयामेन सागा के बीच में सीखी थी। और ये डांस फ्यूजन पुट्टारा फ्यूजन से थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इस डांस फ्यूजन में दोनों फाइटर्स की पावर को सेम होना, बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनका फिजिकल अपीयरेंस जैसे कि हाइट, उनकी पावर, दोनों को सेम या इक्वल एक हद तक होना बहुत जरूरी है, तब जाके डांस फ्यूजन कंप्लीट हो सकता है। लेकिन पुट्टारा फ्यूजन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब हमने बेसिक्स तो इन दोनों फ्यूजन्स के जान लिए हैं, तो अब जान लेते हैं इन दोनों फ्यूजन्स की एडवांटेजेस। तो पहले बात करते हैं पुट्टारा फ्यूजन की। तो पुट्टारा फ्यूजन का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि फाइटर्स को जरूरत नहीं है कि उनका फिजिकल अपीयरेंस जैसे कि हाइट को सेम होना या फिर उनके पावर लेवल को सेम होना, इससे कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ उनको इतना करना होता है कि पुट्टारा इयररिंग्स को अपने कानों में पहनकर फ्यूज हो जाना होता है। और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में, क्रिटिकल फाइट्स में दो फाइटर्स की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, जैसे कि बू सागा में हुआ था। और ये भी जरूरी नहीं कि पुट्टारा इयररिंग्स दोनों एक ही सेट के हों, मतलब कि एक पुट्टारा इयररिंग किसी और कायोशिन का हो सकता है और दूसरा पुट्टारा इयररिंग किसी और कायोशिन का हो सकता है और किसी और कलर का भी हो सकता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि जब किबीटो और कायोशिन एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो किबीटो का पुट्टारा इयररिंग ब्लू कलर का होता है लेकिन शिन का येलो कलर का होता है। और फ्यूजन के बाद में जिस फाइटर की पावर ज्यादा होती है उसी के हिसाब से उसका इयररिंग का कलर चेंज हो जाता है, जो हो जाता है बाद में येलो। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये पुट्टारा फ्यूजन सिर्फ दो लोगों के बीच में हो सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं डांस फ्यूजन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि वेजिटो पावरफुल है या गोजेटा। मेरी अब तक की कैलकुलेशंस से सबसे ज्यादा पावरफुल है गोजेटा, क्योंकि जब भी डांस फ्यूजन होता है उसके लिए दोनों फाइटर्स के पावर लेवल को सेम होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस पावर लेवल के सेम होने की वजह से जो आने वाला आउटपुट फाइटर होता है, जो उन दोनों फाइटर्स को फ्यूज करके फाइटर बनता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि दोनों का पावर लेवल सेम ही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, अगर हम 2+2 करेंगे तो हम सबको पता है कि 4 होना है। लेकिन अगर हम पुट्टारा फ्यूजन की बात करें तो जैसे कि एक फाइटर का पावर लेवल है 1 और दूसरे का पावर लेवल है 2, तो अगर हम 2+1 करेंगे तो वो होगा 3। तो इस हिसाब से जो फ्यूजन हुआ ताकतवर वो हुआ डांस फ्यूजन। और दूसरे डांस फ्यूजन का फायदा ये है कि इसको 5 लोग एक साथ कर सकते हैं, तो मतलब कि गोजेटा भी बाद में किसी और के साथ फ्यूज हो सकता है, फिर वो फ्यूजन किसी और के साथ फ्यूज हो सकता है, फिर वो फ्यूजन किसी और के साथ फ्यूज हो सकता है, और फाइनली एक बहुत ज्यादा ताकतवर फाइटर को हम देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है इन दोनों फ्यूजन्स की डिसएडवांटेजेस, कि क्या घाटे हैं इन दोनों फ्यूजन्स के। तो सबसे पहले बात करेंगे पुट्टारा फ्यूजन की। तो पुट्टारा फ्यूजन में इम्बैलेंस पावर, मतलब कि एक फाइटर की पावर कम है तो एक फाइटर की पावर ज्यादा है, इन दोनों फाइटर्स के बीच फ्यूजन होने के कारण आने वाला जो फाइटर होता है, जो फ्यूज्ड होकर बनता है, वो थोड़ा इम्बैलेंस भी हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब ब्लैक गोकू और जमासु फ्यूज होते हैं, एक उनमें से मॉर्टल होता है और दूसरा होता है इमॉर्टल, तो उन दोनों के फ्यूजन के बाद जब ट्रंक्स उनको बीच में से काट देता है, तब उन दोनों का फ्यूजन बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड होने के कारण उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय
हो जाती है, जिसके कारण वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं बिना बॉडी होने के कारण। तो ये एक डिसएडवांटेजेस या हम बोल सकते हैं घाटा है पोटारा फ्यूजन का। और दूसरी डिसएडवांटेज है कि अगर इसको दो कायोशिन पोटारा फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कभी भी अलग नहीं हो पाते मरने तक। हालांकि हम सबने देखा है कि ड्रैगन बॉल सुपर में शिन किबिटो ड्रैगन बॉल से विश मांगता है अलग होने के लिए, और इस फ्यूजन का हमारे साइंस फाइटर के लिए जो सबसे ज्यादा घाटे की चीज है वो है कि अगर वो एक बार इस फ्यूजन को करने के बाद सुपर सैयन बनते हैं तो वो बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकते, वापस अपनी बेस फॉर्म में नहीं आ सकते, जिसकी वजह से उनका स्टेमिना बहुत बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं डांस फ्यूजन की। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर डांस फ्यूजन को करते हुए थोड़े से भी स्टेप्स गलत हो जाए लेकिन फ्यूजन पूरा हो जाए तो हमें दो तरीके के फ्यूजन फाइटर देखने को मिलेंगे, या तो वो होगा बहुत ज्यादा मोटा या फिर वो होगा बहुत ज्यादा पतला। और वो इतना कमजोर होगा कि जिन दो लोगों ने फ्यूजन किया है अगर उनमें से एक का पावर लेवल भी हम देखें तो उस फ्यूजन का पावर लेवल उस एक सिंगल फाइटर के पावर लेवल से भी कम होगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशंस में एक फाइटर को फंसा सकती है। और दूसरी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये डांस फ्यूजन सिर्फ रहता है आधे घंटे तक, सिर्फ 30 मिनट्स तक, उससे ज्यादा नहीं। और सबसे लास्ट जो इस फ्यूजन की कमी है वो ये है कि फ्यूजन के टाइम अगर की बहुत ज्यादा लीक होती है या फिर दोनों फाइटर्स का पावर लेवल अलग अलग हो जाता है तो ये फ्यूजन एकदम टूट जाता है और दोनों फाइटर्स अलग अलग हो जाते हैं। हालांकि इस फ्यूजन में अगर फाइटर चाहे तो फ्यूजन के बाद अपनी बेस फॉर्म के साथ साथ दोबारा से अपनी दूसरी फॉर्म्स में आ सकता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा फ्यूजन बेटर है या कौन सा फाइटर बेटर होगा जो इन फ्यूजन के बाद बनेगा, क्योंकि इन दोनों फ्यूजन की अपनी कुछ कमियां हैं और अपने कुछ फायदे हैं, जो कि अलग अलग सिचुएशंस में कभी पावर में कमी भी पड़ सकती है उसकी वजह से और कभी बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ही ये कंफ्यूजन है। लेकिन क्योंकि किसी में टाइम ज्यादा है तो किसी में पावर इम्बेलेंस है, किसी में टाइम कम है तो किसी में पावर ज्यादा है, किसी के लिए एक एक बारीकी को देखना पड़ता है तो किसी के लिए सिर्फ पोटारा इयररिंग्स को पहनो और फ्यूज हो जाओ, तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये दोनों फ्यूजन जिस भी कंडीशन में हो बट हमारे ड्रैगन बॉल फाइटर्स का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए गाइस अब आपकी बारी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा। और अगर आप और भी कंपैरिजंस देखना चाहते हैं कि की कंट्रोल ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में से ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग कौन सी है, आप उसको ऊपर कार्ड में देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और आप ये भी देखना चाहते हैं कि हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर या ग्रेविटी रूम में से ट्रेनिंग के लिए कौन सी जगह ज्यादा अच्छी है तो वो भी आप देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में शो हो रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, 100 लाइक्स मैं पहले ही क्रॉस कर चुका हूँ, तो थैंक यू फ्रेंड्स उसके लिए भी। बाकी ड्रैगन बॉल सुपर तो बहुत बहुत ज्यादा टेंस होता ही जा रहा है, जैसे कि काफला भी अब आने वाला है फ्यूजन काफला का, जो कि एक पोटारा फ्यूजन होने वाला है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है, तो ये चीजें तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेंगी। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।